तर दुरीता निपरासुब यद्रम तुव ओम शांति 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 नमस्ते परमात्मा का इतना मंगलकारी विधान है कि व्यक्ति कैसा भी हो उसको प्रभु आनंद देते हैं समाधान देते हैं शांति स्वाधीनता मुक्ति प्रियता देते हैं और ये सभी भावों से जीवन दिव्य बनता है रसमय बनता है और रसमय जीवन सभी की मांग है इस जीवन की परम आवश्यकता है रसमय जीवन जो सभी को चाहिए जीवन नीरस हो जाता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता और जीवन को रसमय बनाने के लिए व्यक्ति नाना प्रकार के उपाय करता है अनुष्ठान करता है भोगों को एकत्रित करता है बचा बचा करके भोगता है और उसके लिए कुछ भी करने को तत्पर रहता है ऐसे ही में हमारे प्रभु जो रस स्वरूप हैं रसो वै सह ऋषियों ने बोला कि वही रस स्वरूप परमात्मा का ही रस हर जगह है सभी फूलों में सभी फलों में हर जगह हर कहीं उसी का ही रस है जिसे हम चखते हैं लेते हैं जिससे हम जीवन को आनंदित बनाते हैं और हम चाहे भौतिकवादी हो या आध्यात्मवादी हो या ईश्वरवादी हो हमारा समाधान निश्चित होता है जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं या समाजवादी कहते हैं वो इस जगत को मानते हैं इस जगत में समाज कार्य करता है राष्ट्र इस जगत की एक इकाई है जो अपने आप को सेवक कहते हैं सेवी कहते हैं सेवाव्रती कहते हैं वो लोगों को मानते हैं कि लोगों को लाभ होना चाहिए लोगों को अपना मानते हैं कि लोगों के पास जो कष्ट है वो दूर होना चाहिए हम इस दुनिया में दो ही तरह के लोगों को देखते हैं सुखी या दुखी हम जैसे अपना मानते हैं वो सुखी होता है तो हम भी सुखी होते हैं और जो अपना यदि दुखी होता है तो उसे देख करके हमारे मन में करुणा आती है कि इसका दुख दूर होना चाहिए क्योंकि उसे हमने अपना माना है अपने लोग प्रसन्न हैं तो हम भी प्रसन्न होते हैं और अपने लोग दुखी हैं तो हम भी करुणा में होते हैं हमें भी अच्छा नहीं लगता लेकिन इस तरह तो पूरे जगत में ही हम देखें तो सुखी और दुखी लोग ही तो भरे हैं तीसरी कोई श्रेणी नहीं हम जिसे भी देखते हैं या तो वो सुखी होता है या तो दुखी होता है लेकिन उनको देख के तो हम प्रसन्न और करुणित नहीं होते क्यों नहीं होते इस दुनिया में जो भी कई सुखी हैं उनको देख के हम प्रसन्न नहीं होते और बहुत दुखी हैं उनको देख के हम करुणित नहीं होते ऐसा क्यों तो ये जानने में आएगा कि हमने उन्हें अपना नहीं माना तो अपनों के सुख में प्रसन्नता और अपनों के दुख में करुणा आती है तो जब हम सबको अपना मानते हैं तो हमारे जीवन में प्रसन्नता और करुणा आती है और जब प्रसन्नता और करुणा आती है तो नीरसता नहीं आती नीरसता जब ही आएगी जब ना तो हम प्रसन्न रहेंगे और ना तो करुणा में रहेंगे और प्रसन्नता और करुणा के बिना ही नीरसता का भाव होता है और यदि नीरसता का अभाव करना है तो हमारे मन में या तो प्रसन्नता रहे सुखियों को देखकर और या दुखियों को देख करके करुणा रहती है और ये जब ही रहेगी जब हम सबको अपना मानेंगे सर्वभूत ही तेरता वसुधैव कुटुंबकम को जब हम मानेंगे हम किसी भी महापुरुष को देखें चाहे हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को या महावीर को या ईशा को या मोहम्मद को जितने भी हुए इस धरती पर उनके जीवन में प्रसन्नता थी करुणा थी तभी उन्होंने मानव जाति के लिए कार्य किया सबको अपना मान करके और बिना प्रसन्नता के बिना सब को अपना माने बिना करुणा किए क्या कोई महान पुरुष हुआ है या हो सकता है बिना सबसे प्रीति किए बिना उदार हुए बिना स्वाधीन हुए जिसमें जो सबको अपना मानेगा वही उदार होगा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम सभी महापुरुष उदार हुए हैं और जो उदार है वही हैं वही महापुरुष हैं जिन्होंने सबको अपना माना है तो इस जगत पर जो विश्वास करते हैं लोगों को मानते हैं अपना तो वो अपने आप प्रसन्नता और करुणा से स्वाधीनता को प्राप्त होते हैं रस को प्राप्त होते हैं जीवन में रस की अभिव्यक्ति होती है और वो महामानव महापुरुष बनते हैं उदार बनते हैं अपने लिए नहीं जीते उनका अपने लिए कोई लक्ष्य कोई चाह कोई कामना नहीं इस जगत को देख करके ही उनके मन में प्रसन्नता या करुणा और उदारता का भाव अभिव्यक्त होता है और वही अपने आप को समाज सेवी कहते हैं समाज प्रेमी कहते हैं समाजवादी कहते हैं राष्ट्र प्रेमी राष्ट्र भक्त राष्ट्रवादी जगतवाद जगतवादी संसारवादी संसार को मानने वाले या भौतिकवादी कहें या यथार्थवादी कहें तो वही कह सकते हैं जो सब को अपना माने और सब जो प्रसन्न हैं उनको देख करके मन में प्रसन्नता प्रेम आए और दुखियों को देख करके उनके मन में करुणा आए और वो उदार हो जाएं जो किसी को अपना माने या ना माने तो फिर किसी को अपना माने और किसी को अपना ना माने तो फिर सबको अपना मानने से ही उदारता आती है नहीं उदारता भी कम हो जाती है कि हम उन्हीं के प्रति उदार हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं हम उन्हीं की प्रसन्नता में प्रसन्न हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं हम उन्हीं के दुख में दुखी करुणित हो रहे हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं तो उसमें तो रस आएगा लेकिन हमारा जीवन तो विशाल है विशाल जीवन विराट जीवन में अल्प को मानने से फिर अधिकतम जीवन नीरस होता है और नीरस जीवन जीना इसके लिए भगवान ने हमको भेजा नहीं है रस की अभिव्यक्ति जीवन में हो तो ऋषि ने बोला कि यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम हस्ते नाल यो उपनिषद का वाक्य है कि जो भूमा है उसी में सुख है यानी जो विराट है जो असीम है जो लिमिटलेस है उसी में सुख है छोटे में सुख नहीं इसलिए हमारे ऋषियों ने सबको अपना मानने की बात कही उदार होने की बात कही वसुधेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे सर्वभूत हिते रहता सर्वभूत हिते रहता सर्वेश सर्वे भवतु सब शांत सुखी प्रसन्न स्वस्थ निरामय हो और या तो हम किसी को अपना ना माने कि हम जगत को मानते नहीं कि ये जगत तो केवल आभास होता है कुछ ऐसा भी दर्शन रखते हैं यह भी एक दर्शन हो सकता है कि कोई जगत को मिथ्या माने केवल स्वयं का ही एक स्वरूप माने कि मैं ही सत्य हूं बाकी मैं किसी को नहीं मानता हम क्यों माने भला किसी को हम स्वयं को मानेंगे तो जो जगत को नहीं मानता तो फिर जगत का प्रभाव भी उसके मन पर नहीं पड़ना चाहिए जगत का प्रभाव उसी के मन पर पड़ेगा जो जगत को अपना मानेगा उसी के मन पर प्रसन्न व्यक्ति को देख करके प्रसन्नता आएगी दुखी व्यक्ति को देख करके करुणा आएगी जो जगत को अपना मानता है और जिसने माना ही नहीं जगत को अपना तो फिर जगत का कोई प्रभाव उसके मन पर नहीं पड़ेगा तो जो किसी को अपना नहीं मानते किसी भी कारण से कि हमको किसी की आवश्यकता नहीं कोई अपना नहीं इस दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं कोई मेरा नहीं इतने जो वैरागी हो गए हैं तो फिर जगत का प्रभाव उनके मन पर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो किसी को मानते नहीं और जब जगत का प्रभाव उनके मन पर नहीं पड़ेगा तो फिर वो स्वाधीन हो जाएंगे अपने आप व्यक्ति स्वाधीन हो जाएगा स्वतंत्र हो जाएगा ध्यानी हो जाएगा मुक्त हो जाएगा दुख रहित हो जाएगा जो किसी को अपना नहीं मान रहा है जो इस जगत को नहीं मान रहा है इसकी सत्ता को नहीं स्वीकार कर रहा है तो वो अपने आप कोई परेशानी उसके अंदर नहीं आएगी वो हर बंधन से मुक्त हो जाएगा वो हर भोग के बंधन से आसक्ति से मुक्त हो जाएगा निरासक्त अप्रमक्त निर्विषयी निर्विकार पवित्र हो जाएगा तो या तो हम अपना मान लें जगत को और या जगत को अपना न माने दोनों तरह से ही कल्याण होता है और या कोई कहे कि मैं जगत को अपना नहीं भी मानता और मानता भी नहीं यानी दोनों दर्शन नहीं बस मैं ईश्वरवादी हूं कि ईश्वर का ही स्वरूप है न मेरा न जगत का मैं स्वयं को भी नहीं मान रहा और जगत को भी नहीं मान रहा मैं तो भगवान को मानता हूं क्योंकि सब उसी का विस्तार है सब उसी से है यह भी एक दर्शन है ऐसा भी एक दर्शन हो सकता है।, है भी कि मैं केवल परमात्मा को मानता हूं अपने को भी नहीं जगत को भी नहीं तो जो प्रभु को ही अपना मानेगा केवल प्रभु को ही अपना मानेगा और केवल प्रभु की ही सत्ता को स्वीकार करेगा तो उसके मन में अपने आप प्रियता जागृत होगी प्रभु की स्मृति जागृत होगी और फिर कभी भी एक क्षण के लिए भी प्रभु की स्मृति उसके मन से हटेगी नहीं क्योंकि वो प्रभु के अलावा किसी की सत्ता स्वीकार नहीं करता कि मैं प्रभु का हूं प्रभु ही मेरे हैं और प्रभु ही हैं केवल तो प्रभु की स्मृति कभी उसके मन से हटेगी नहीं प्रभु का प्रेम उसके मन से कभी हटेगा नहीं और फिर वो भी भक्त बन जाएगा ईश्वरवादी होकर के ईश्वर स्वरूप बन जाएगा प्रेमी बन जाएगा उसके जीवन में भी रस की अभिव्यक्ति निश्चित रूप से होगी या कोई कहे कि मैं तीनों को मानता हूं मैं स्वयं को भी मानता हूं मैं जगत को भी मानता हूं मैं ईश्वर को भी मानता हूं तो तीनों के लाभ उसे मिलेंगे ईश्वर के प्रति उसके मन में प्रेम का भाव प्रियता का भाव होगा जगत को अपना मानता है तो कितनी अच्छी बात जगत को अपना मानने से उसके मन में प्रसन्नता और करुणा का उद्भव होगा प्राकट्य होगा और स्वयं को मानता है तो अपने कर्तव्य परायणता में उसकी तत्परता होगी वो स्वाधीन रहेगा अपने को मान करके वो फिर दुख रहित रहेगा कि मैं स्वयं को अपना मानता हूं तो दुख कहां से आया कहीं से नहीं फिर तो कर्तव्य है जो अपने को ही मानेगा फिर वो अपने कर्तव्य का केवल पालन करेगा अचाह तीनों स्थिति में व्यक्ति होता है चाहे वो जगत को अपना मान करके प्रसन्न करुणित रहे तो भी अचाह रहेगा स्वयं को मान करके स्वाधीन रहे तो भी अचाह रहेगा ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के ईश्वर का भक्त प्रेमी बने तो भी अचाह रहेगा या यदि वो तीनों को ही ना माने कि मैं तीनों को नहीं मान रहा जगत के भी सत्ता नहीं ईश्वर के भी नहीं और आत्मा के भी नहीं तो भी उसमें अचिंतता आएगी निर्विकल्पता आएगी अचाह पन आएगा और वो अपने आप आचाह हो जाएगा कामना रहित हो जाएगा दुख रहित हो जाएगा व्यक्ति किसी को मानने से भी किसी को न मानने से भी कितना उत्तम और प्रेममय विधान है प्रभु का कि सामर्थ्यवान को भी वही स्थिति प्राप्त होती है और असमर्थ को भी वही स्थिति प्राप्त होती है सामर्थवान जो है वो अपने सामर्थ का सदुपयोग करके तृप्त होगा अपने सामर्थ का सदुपयोग करके तत्व को प्राप्त करेगा और जो अपने आप को असमर्थ मानता है वो भी विश्राम को प्राप्त होगा जो अपने आप को असमर्थ मानता है वो भी अचाह हो जाएगा शांत हो जाएगा निर्दोष हो जाएगा निर्विकल्प हो जाएगा कितना प्रेममय विधान है प्रभु का कि असमर्थ भी प्रभु की शरण में जाकर के रस को प्राप्त करता है और सामर्थ्यवान भी अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करके अपने कर्तव्य का पालन करके रस को प्राप्त करता है लेकिन वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा जो अपने अस अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करता है कि बाहर से तो वो असमर्थ बना हुआ है लेकिन अंदर से सामर्थ्य का दुरुपयोग कर रहा है सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं कर रहा है तो जो अपने सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं करेगा उसके जीवन में फिर बहुत सारी कामनाएं वासनाएं अशांति दुख नीरसता प्रकट होगी फिर जहां नीरसता होती है वहीं काम का जन्म होता है वहीं कामनाओं का जन्म होता है उसी नीरसता को ढकने के लिए उसी नीरसता को पूरा करने के लिए और कर्तव्य क्या है अचाह होना कभी भी कर्तव्य में बाधा नहीं करता अचाह होकर के भी अपने कर्तव्य को और अच्छे से पूरा किया जा सकता है किया जाता है कि कर्तव्य हमारा वही है जो प्राप्त परिस्थिति में हमें करना चाहिए वही कर्तव्य है कर्तव्य का सीधा संबंध प्राप्त परिस्थितियों से है कि जो परिस्थितियां हमें वर्तमान में प्राप्त हैं उसमें मुझे क्या करना चाहिए अपने ज्ञान के अनुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार यानी मेरे ज्ञान की विरोधी नहीं होना चाहिए और मेरे सामर्थ्य से अधिक नहीं होना चाहिए तो अपने सामर्थ्य के अनुसार और अपने विवेक अपने ज्ञान के अनुसार जो भी मैं कर सकता हूं वर्तमान की प्राप्त परिस्थितियों में वही मेरा कर्तव्य है और अपने कर्तव्य को करने से शांति प्राप्त होती है तृप्ति प्राप्त होती है निष्कामता आती है शांति आती है दुख निवृत्ति आती है स्वाधीनता आती है अपने कर्तव्य के पालन करने से भगवान ने भी कहा कि स्व स्व कर्म अभिरतः स्वे स्वे कर्म अभिरतः संसिद्धिम लभते न स्वकर्मा सिद्धिम यथा विंदती तत्शण अपने कर्म से भी व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है अपने कर्तव्य कर्मों को करके लेकिन मुख्य बात है आचाह होना कि कुछ भी मेरा नहीं है कुछ भी मेरे लिए नहीं है मैं किसी को भी मानूं या मैं संसार को मानूं जगत को मानूं तो सब कुछ जगत का है मैं भी जगत का हूं और फिर जगत में प्रसन्न को देख करके प्रसन्न रहना दुखियों को देख करके करुणित रहना और उनकी सेवा करना उदार होकर के असीम रूप से परम उदार होकर के कि ये सब जगत का ही दिया हुआ यह शरीर है यह सांसे हैं यह आंखें हैं यह हाथ हैं, यह सब जगत का दिया हुआ है तो जगत के प्रति देने में परम उदारता रखने वाला व्यक्ति भी सिद्धि को प्राप्त करता है और या तो वो जगत को अपना न माने केवल स्वयं की ही सत्ता माने कि मैं ही हूं सब जगत मेरे लिए है ये सारा संसार मेरे लिए है मैं ही हूं तो यह मान करके भी व्यक्ति दुख रहित हो जाएगा कि मेरी ही सत्ता है तो जब सब कुछ मेरा ही है तो फिर कामना किसकी करनी फिर दुखी क्यों होना फिर तो व्यक्ति अपने भीतर ही रस को प्राप्त कर लेगा अपने भीतर ही बाहर देखने की भी आवश्यकता नहीं अपने भीतर ही अपने रस को अपनी स्वाधीनता को मुक्ति को प्राप्त करेगा दुख रहित हो जाएगा स्वाधीन होकर और या तो ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के ईश्वर को ही अपना मान करके अपने भीतर प्रियता को प्राप्त करेगा या तो किसी को भी अपना ना मान करके अचाह होगा निर्विकल्प होगा शांत निर्लिप्तता असंगता को प्राप्त करेगा उसमें भी रस है तो चाहे तो असंग हो जाए या प्रभु प्रेमी हो जाए या जगत के प्रति उदार हो जाए या स्वयं के कर्तव्य में रथ हो जाए मुक्त होकर के निष्काम होकर के हर प्रकार से ही चाहे व्यक्ति सामर्थ्यवान अपने को अनुभव करे तो अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करेगा और या तो व्यक्ति अपने आप को असमर्थ माने कि मुझ में कोई भी सामर्थ्य नहीं है तो भी व्यक्ति विश्राम को प्राप्त होगा कि मुझमें कोई भी सामर्थ नहीं है वो भी शांत विश्राम को प्राप्त होगा कि मैं क्या करूं मुझमें कोई सामर्थ्य नहीं तो वो भी श्रम रहित हो जाएगा विश्राम को प्राप्त करेगा शांति को प्राप्त करेगा परंतु वो व्यक्ति नहीं जो अपने आप को बाहर से असमर्थ कह रहा है और अंदर से अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग कर रहा है जो वो कर सकता है वो नहीं कर रहा है जो नहीं करना चाहिए वो करने में वो सामर्थ्यवान बना हुआ है झूठ बोलने में अपने सामर्थ्य को लगा रहा है बुराई करने में सामर्थ्य को लगा रहा है गलत खान पान में व्यवहार अच्छा न करने में वाणी व्यवहार बिगाड़ने में अपने सामर्थ्य का लगा रहा है अपने ज्ञान को लगा रहा है तो वो सामर्थ्य और ज्ञान का दुरुपयोग करता है इसी से व्यक्ति दुख को जन्म देता है तो हम अपने प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग करें और निश्चित रूप से या हम उदार हो जाएं जगत के प्रति या स्व स्व के प्रति जागृत हो जाएं, स्वाधीन हो जाएं कि कोई जगत का प्रभाव हम पर ना पड़े हम स्वाधीन हो जाएं या हम ईश्वर के आस्तिक प्रेमी हो जाएं और हम अचाह हो जाएं। अचाह होने से ही हमारा समाधान होगा निश्चित रूप से सभी को बहुत शुभकामनाएं नमस्ते